हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज हम बनाएंगे सिंपल सी चिकन बिरयानी। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक आधा चम्मच और ये एक छोटी चम्मच दही डाली है। इसको 10 मिनट के लिए रख दिया ऐसे ही छोड़ के। और एक गिलास चावल लिया है, इसको भी हमने 10 मिनट के लिए भिगो दिया है। पहले हम चिकन को चढ़ाएंगे गैस पे। इसमें 2 चम्मच मक्खन डालेंगे कढ़ाई में। और ये चिकन इसी में डाल देंगे ऐसे ही, और कुछ नहीं डालना अभी हमें। इसको हम सिम पे पकने देंगे जब तक हम चावल की तैयारी करते हैं बिरयानी के लिए। बिरयानी में तड़का लगाने के लिए हम 2 प्याज काटेंगे बड़ी बड़ी। दोस्तों, हमारी हांडी गर्म हो गई है, इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इसे आप देसी घी में भी बना सकते हो। दोस्तों, आपके पास हांडी नहीं है तो आप पतीले में भी बना सकते हैं, कुकर में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं इसे। हमारा तेल गरम हो गया है ऑयल। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा आधा सा चम्मच और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 5 लौंग और 4 छोटी इलायची, 4 सूखी लाल मिर्च, 2-3 तेज पत्ता, 8-10-15 काली मिर्च। अब हम इन सबको तेल में डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज डाल लेंगे। प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे। चिकन थोड़ा थोड़ा पकने लग गया है, इसे थोड़ा सा हम हाई गैस पे सुखा लेंगे। दोस्तों, हमारा देखो प्याज भुनने लग गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। इसको मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा थोड़ा सा भुन गया है। इसमें हम 1 चम्मच बिरयानी मसाला डालेंगे। अब जो हमारे चावल भीगे हुए हैं वो इसमें डाल देंगे। चावलों को थोड़ा चला लेंगे और इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। जिस गिलास से हमने चावल लिए थे 1 गिलास, उसी से हम पानी डालेंगे 1 गिलास और आधा सा गिलास और 1.5 गिलास पानी हो गया हमारा चावलों में। जो पानी छोड़ा था चिकन में वो भी सूख गया है, इसको हम चावलों में ही डाल देंगे। ऊपर से ही डाल देंगे क्योंकि हमारा आधा चिकन पक चुका है। एक उबाल आने के बाद सिम पे पकने देंगे थोड़ी देर। हमारी बिरयानी उबलने लग गई है, इसको हम सिम पे पकने देंगे कम से कम 5-7 मिनट। दोस्तों, हमारी बिरयानी तैयार है। अब इसमें हम फूड कलर डालेंगे 2 चम्मच पानी में मिला के।
लाल वाला। बस 2 सेकंड के लिए इसे ढकेंगे। दोस्तों हमारी बिरयानी तैयार है।